কইছে মুহূর্তত শুনাইছ। আপ কিস আধার পর ইস দেশ কে নাগরিক হো? এ দোনো প্রক্রিয়া কা কোই লেনদেন নেই হয়, না দোনো প্রক্রিয়া কা এক দূসরে কে সার্ভে মে উপযোগ হো সকতা হয়। এনপিআর কে লিয়ে জো অভি প্রক্রিয়া চলেগি, ইসকা উপযোগ কভি ভি এনআরসি কে লিয়ে নেই হো সকতা, দো কানুন ভি অলগ হে। মগর এ প্রক্রিয়া মে থোড়ি স্পষ্টতা কর দু কি এ ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার নে শুরু নেই কি হে। 2004 মে यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है, सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। एनआरसी में प्रूव करना पड़ेगा और एनपीआर में सिर्फ साइन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और ये सब वॉलंटरी है एनपीआर का एक्सरसाइज। वॉलंटरी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसमें कुछ खाने खाली रखे जा सकते हैं जी। तो अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाए? देखिए, एक दो चीजें नई है जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई है जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी सर, इसका अंदाज कैसे लगेगा? मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां ओडिशा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने ओडिया बच्चे यहां रहते हैं, तो ओडिया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे तय करेगा, हिंदी भाषी स्कूल्स कितनी खोली जाएगी वो कैसे तय करेंगे, क्योंकि गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन गुजराती में है ऑब्वियसली। इस प्रकार के पर्पस के लिए एक जनगणना मतलब सेंसेस और एनपीआर दोनों का उपयोग होता है। मैं उस पे वापस आती हूँ सेंसस पे, पर आपने माइनॉरिटीज का जिक्र किया इसलिए मैं माइनॉरिटी लीडर ओवैसी के बारे में बोलते, उन्होंने खुद कहा है कि ये एनआरसी का दूसरा नाम है, बस एक दूसरे नाम से एनआरसी लाया जा रहा है। देखिए ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। सर, जब माइनॉरिटीज हो, जब